हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो यूपी जीके में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व पुलिया चल रहा है, जिसकी हम लोग थ्योरी पार्ट कर लिया है। तो आज हम लोग जो यूपी की परीक्षा में जो पहले परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज, जो कि पता है आप लोग कथक का है, कथक से रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह सहनाई से। फिर अमजद अली खां जो है वो सरो से रिलेटेड है, लेकिन जाकिर हुसैन जो है वो हारमोनियम के नहीं है। जाकिर हुसैन किसके, तबला वादक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है, तबला से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। तो देखिए ये सब तो बात के हैं, भारतीय नाट्य अकेदमी वगैरह, लेकिन भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो है ये हमारा संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, भातखंडे हिंदू संगीत संस्थान जिसकी स्थापना लखनऊ में करी गई है, तो कब, 1926 में मैरिस कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना करी जाती। पहले इसका नाम क्या होता, मैरिस कॉलेज होता है 1926 में, बाद में 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय होता है। ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड का बी सही है। नेक्स्ट हमारा है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। तो इस सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमा के बोला गया। तो इसका ऑप्शन क्या, थ्री का सी हो जाएगा हमारा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो आपको पता है इसका ऑप्शंस कौन सा है, फोर का ए कौसाम्बी होगा। कौसाम्बी जो कि वत्स्य देश की राजधानी भी रहा हुआ करती थी। ठीक है, वत्स्य जो हमारे जो जनपद थे तो उसकी राजधानी भी हुआ करती थी, और मुख्यालय इसका क्या है, कौसाम्बी का मजनपुर है। ठीक है, यहाँ पे देवी पाटन का भी जिक्र हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए देवी पाटन जो है बलरामपुर में पड़ता है। ठीक है, और सब तुम लोग को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि फर्स्ट एंड सेकंड में सुमेलित कर सही कूट का चयन करिए। तो ये हमारा कौन सा है, ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसको मिलाना है। तो बिरहा जो है वो कहाँ का होता है, ये कजरी पवारा रसिया, इसमें से अगर आपको एक भी पता होंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि कजरी जो है वो कहाँ पर होती है, वो हमारा मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में होती है। तो बुंदेल तो हो नहीं सकता है, अवध हो नहीं सकता है, तो कजरी का तो हमारा हो गया क्या, ये बी का तो टू हो जाएगा। अवध हो सकता है क्योंकि मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र अवध में पड़ता है, तो कजरी जो है वो अवध से रिलेटेड हो गया। बिरहा आपको पता है कि पूर्वांचल का है, तो पूर्वांचल का है, तो पूर्वांचल उधर भोजपुरी, तो बिरहा का तो ए का वन हो गया। ठीक है, रसिया जो है वो ब्रज क्षेत्र का हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, फिर तो आपका फाइव का हो गया कौन सा, डी। देखिए मिलाइए, ए का वन, ठीक है ए का वन है, मतलब बिरहा जो है हमारा कहाँ, भोजपुरी का हो गया। कजरी का हम लोग ने अवधी, बी का टू हो गया। फिर उसके बाद रसिया जो कि ब्रज का था, तो मतलब डी का थ्री, और सी पवारा जो है वो कहाँ का है, बुंदेली का है। तो इसमें क्या होगा, फाइव का डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो तो खड़ी बोली के लिए फेमस नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन सिक्स का सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है, वो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का। अगर सांस्कृतिक केंद्र की बात, सेवन का ए सही है। सितार मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है ये सितार, ये हमारा वीराव तंबूरे का मिश्रण है। कर्मा के क्षेत्र का लोक नृत्य, तो कर्मा आपको पता होना चाहिए कि ये सोनभद्र और मिर्जापुर का जो काफ़ी फेमस लोक नृत्य है। तो ये क्या है, सोनभद्र मिर्जापुर की जो खरवार जनजाति है वहाँ के लोगों के द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद व होली के अवसर पे किया जाता है, कौन सा, कर्मा नृत्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा, नाइन का ए सही होगा, सोनभद्र मिर्जापुर का है, तो सोनभद्र इसका ऑप्शन हो जाएगा, नाइन ए। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित नहीं है कौन सा बताना, तो आला महोबा, रसिया बरसाना, बिरहा कन्नौज, कजरी मिर्जापुर। आपको पता है बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल क्षेत्र का है। यहाँ पे बिरहा कन्नौज, कन्नौज तो पूर्वांचल क्षेत्र में आता नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर बी। तो टेन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन सरस्वती जी वीणा बजाती थी, सबसे पुराना हमारा वाद्य यंत्र कौन सा है, इसका डी हो गया, तो इलेवन का डी।
इसमें आपको ये मैच कराना है, निम्न को सुमेलित करना, उस्ताद विशायत खां, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य, फिदा हुसैन, नरसी। देखिए इसमें आपको एक भी पता होंगे तो आपका ये आप इसको मैच करा सकते हो। देखिए इसमें क्या है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सितारा देवी देखिए काफ़ी फेमस है, जो कि आपको पता है कथक से रिलेटेड है। तो आपको ये देखना है कि सी का जो है वो टू कहाँ पे है, सी का टू आपका डी ऑप्शंस, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस हो जाएगा, क्योंकि और कहीं पे भी टू नहीं दिया हुआ है। तो फिर इसी से देखिए सितारे देवी का कथक हो गया। तो उस्ताद विशायत खां का अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप इससे मैच करो। तो उस्ताद विशायत खां किससे रिलेटेड है, सितार से। विशायत खां किससे रिलेटेड है, सितार से। फिदा हुसैन नरसी किससे रिलेटेड है, हिंदी रंग मन से रिलेटेड है। सितारा देवी तो कथक से ही है। जतिन भट्टाचार्य किससे, सरोज से रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पे, ग्वालियर में, 13 का बी है। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी में निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो राई नृत्य जो है जिसे मयूर नृत्य के नाम से भी जानते हैं, महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी में किया जाता है। तो इसमें पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है, से मयूर नृत्य के नाम से भी जानते हैं। 14 का डी सही होगा। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव जो है वो फरवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ताज नगरी के नाम ताज है तो आगरा में मनाया जाता है ये। 15 का बी ऑप्शन। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो आपको पता है कि जो गिरजा देवी हैं वो कहाँ से रिलेटेड है, किस घराने से रिलेटेड है, ये आपकी बनारस घराने से रिलेटेड है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी जो है कहाँ पे, बनारस घराने से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कौन सा लोक नृत्य इसमें ब्रज क्षेत्र का है ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है दीवारी कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। दीवारी बरेदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का होता है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। जोगनी अवध क्षेत्र का है। तो बचा कौन सा, नटवरी जो हमारा, सॉरी इसमें पूछा क्या गया है हमारा, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का, हाँ तो चरकुला नृत्य जो है वो कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का हो गया। ओके, नटवरी जो है वो पूर्वांचल का, आहिर समाज के द्वारा पूर्वांचल में किया जाता है। तो दीवारी कहाँ पे किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का हो गया। जोगिनी कहाँ का, अवध का हो गया। चरकुला हमारा ब्रज का होता है। नटवरी हमारा कहाँ का हो गया, पूर्वांचल का हो गया, आहिर समाज के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा 17 का क्या सही होगा, सी सही होगा। सैय्यद सलार मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ, बहराइच में लगता है। 18 का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा, सैरा। सैरा नृत्य जो है वो फसल कटाई के समय किया जाता है, ठीक है। ढड़िया कहाँ का है, ढड़िया जो हमारा सोनभद्र का है। ये पता ही, संतान की कामना के लिए किया जाता है, सरस्वती देवी के सामने ढड़िया नृत्य हो गया, संतान की कामना के लिए। क्या कौन सा, सोनभद्र में, ढड़िया सोनभद्र का है। ओके, चरकुला भी आपने पता ही पढ़ा ही था, किसका, ब्रज क्षेत्र का है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, जो नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 19 का बी, सैरा नृत्य जो है फसल कटाई के समय किया जाता है। और चैता की, चलिए आगे आते हैं। बुंदेलखंड कौन, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा हो गया, आल्हा। आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। तो 20 का हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। 21 का 21 का सी ऑप्शन सही है, वृंदावन में मनाई जाती है। सूची को सुमेलित करना है। देखिए बटेश्वर मेला जो है वो कहाँ लगता है, आगरा में लगता है, पशु मेला है, देवा और हरिदास जयंती, नौचंदी। नौचंदी कहाँ पे, मेरठ में है। ओके, हरिदास जयंती वृंदावन होगी, बटेश्वर आगरा हो गया, देवा शरीफ का बाराबंकी, देवा जो देवा शरीफ की बात कर बाराबंकी में हो गया। तो उसको मैच करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आपका होगा मैच कराइए जरा, बटेश्वर आगरा हो गया, ए हो गया, ये ए और डी दोनों में है, देवासरी बाराबंकी हो गया, बी का वन हुआ, बी का वन,
तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका कौन सा होगा, डी सही होगा। ओके, 22 का क्या है, डी है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, चरकुला आपको पता है कि ब्रज क्षेत्र का होता है, तो इसका ऑप्शन 23 का बी हो गया, ब्रजभूमि का है। 23 का आपका क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, बिंदादीन कथक से हैं, लच्छू महाराज कथक से हैं, शंभू महाराज कथक से हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी जो है कथक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ध्रुव तारा जोशी हैं किससे, तो ये सितार वादक हैं, लखनऊ घराने की ये भी हैं, लेकिन ये क्या सितार वादक हैं। तो आपका ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से लोक संगीत दिए गए स्थानों में सम्मिलित नहीं है, कजरी, बनारस, होली, ब्रज, बिरहा, कानपुर, नौटंकी, हाथरस। नौटंकी हाथरस की है, होली ब्रज क्षेत्र में होती है, कजरी बनारस, कजरी जो है अवध क्षेत्र का उधर मिर्जापुर साइड का है, तो बनारस वहीं पर टच है, तो बनारस भी सही है, मैच करा सकते हैं इसको। लेकिन बिरहा जो है आपको पता है पूर्वांचल क्षेत्र का है, कानपुर में नौटंकी फेमस है, ना कि बिरहा फेमस है। ओके, तो इसका 25 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कर्मा महोबा, धीवर कहार, धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी, पूर्वांचल। तो 26 का आपका ऑप्शन ए होगा, कर्मा महोबा, कर्मा मिर्जापुर का आपको पता है, तो ये इसका 26 का ए ऑप्शन सही हो गया। ओके, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन ये तो होता ही है, उसका प्रकाशन भी कर सकते हैं, उसका अभिलेखीकरण भी होता है, लेकिन उसकी बिक्री से संबंधित नहीं है, तो 27 का डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो आपको बिरहा कजरी रसिया आपने पता था, ढोला मारू नहीं पढ़ा है, तो ढोला मारू 22 का बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आला बुंदेलखंड, चाता रुहेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, कजरी अवध। चाता, चाता जो है वो रुहेलखंड का नहीं है, चाता जो पूर्वांचल का है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला पढ़ा है, रास, कर्मा, मुरिया जो है मुरिया नहीं है, तो इसका 30 का डी हो जाएगा। राई लोक नृत्य कहाँ का है, तो राई लोक नृत्य जो है वो हमारा कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ओके, तो 31 का बी हो गया। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था, तो इसका ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा। 32 का बी, 2000 अगर आ जाए तो वो भी सही है, इसमें 2001 ऑप्शन में, इस वजह से इसका 2001 होगा, तो 32 का बी हो गया। सुविख्यात चित्र जो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, तो किसने, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पहले भी पढ़ा था, तो शिव नंदन नौटियाल ने की थी। 33 का हमारा क्या हो गया, सी हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, आगरा में आयोजित किया जाता है। 34 का डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, बिंदादीन मेहंदी, इलियास खां, उस्ताद दूल्हे खां, किसने नहीं दिया था, तो इसमें हमारा होगा 35 का ये हमारा होगा सी, मेहंदी जो है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग का इसमें नहीं आया था फिलहाल। तो किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो 35 का क्या सी है, मेहंदी ने नहीं दिया था। बिंदादीन तो काफ़ी फेमस ही हैं, तो इन्होंने तो दिया ही था। चलिए आगे आते हैं। चित्रकला का मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था, 36 का बी हो गया। 36 का हमारा कौन सा, बी माइनस। सूची को मिलान करना है, गोविंद साहब, कैलाश, सैयद सलार, साकंबरी देवी, तो इसमें अगर आपको एक भी पता तो आप मिला सकते हो गेस करके। देखिए साकंबरी देवी का कहाँ पे लगता है, सहारनपुर में। गोविंद साहब अंबेडकर नगर हो गया, सैयद कैलाश मेला आगरा का हो गया, और सैयद सलार जो बहराइच का हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, 37 का, एक बार चेक कर लेते हैं इन दोनों में है कि नहीं। ए का क्या था, गोविंद साहब अंबेडकर नगर, ए का 3 हो गया, कैलाश मेला जो है आगरा का, बी का 4 हो गया, सैयद सैलार सी का 1 हो गया, और साकंबरी सहारनपुर, ये हमारा 37 का कौन सा होगा, बी होगा। ओके, आते हैं 38 में, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो वर्षा के समय हमारा कजरी जो है काफ़ी फेमस है, तो कजरी है, 38 का ए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
किराने घराने से हैं, 39 का हमारा कौन सा, वो बी किराने घराने को हम लोग मुजफ्फरनगर घराने के नाम से भी जानते हैं। 39 का ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, बिरजू जी हैं, लच्छू जी हैं, सितारा देवी हैं, इसमें कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो 40 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, किशन महाराज जो है कथक कलाकार नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, किशन महाराज नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, पशु मेला, बटेश्वर, धूपपत मेला कहाँ पे लगता है, गोविंद साहब अभी पढ़ा था आपने, अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज में होता है, और ध्रुपद, सॉरी पशु मेला बटेश्वर हो गया, ध्रुपद मेला आपका कहाँ, वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब का अम्बेडकर नगर में, वो माघ मेला जो प्रयागराज में लगता है। तो ये आप इसको मैच करा सकते हैं, क्या होगा, ए का आपका 3 हो गया, 2 में है 3, बी का आपका 4 हो गया, बी का 4, 3 और 4, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 41 का ए, ए सही है इसका ऑप्शन। बिरहा, इसको भी मैच कराना है, बिरहा कहाँ का, पूर्वांचल का, रशिया ब्रज का है, आला बुंदेलखंड का, कजरी का, अवध का है, तो मैच करा लीजिए। 42 का कौन सा होगा, 42 का सी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्य मुख्य हैं, इसमें जितने भी सायरा मतलब सायरा की बात कर रहा है, इसमें कौन सा सुमेलित उत्तर चुने, भातकंडे 1926 सही है, क्योंकि मैरिस कॉलेज के नाम से स्थापना होती है, राज्य ललित कला अकादमी 1962 ये भी सही है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ये भी सही है, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 ये भी सही है। तो मतलब सारे मैच है, तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, कजरी के लिए, तो 45 का ए होगा हमारा। निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, बिरजू महाराज कथक से, आला महोबा, अमजद अली का सरोज से, बिरहा कन्नौज, हमारा 46 का डी सुमेलित नहीं है क्योंकि बिरहा पूर्वांचल का है। कौन सा शासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश से हमारा कथक है, ठीक है, साकंबरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, सहारनपुर में किया जाता है, तो 48 का डी हो गया। बहराइच सुल्तानपुर रायबली किस बोली के लिए फेमस है, तो ये तीनों जो हैं हमारी अवधि के लिए, भगेली तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़ी होगा नहीं, ब्रजभाषा तो ब्रज की तरफ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 49 का डी हो गया। सुमेलित नहीं बोला गया, आला बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वी कजरी, रुहेलखंड, छाता, अवध और भोजपुरी, तो कजरी आपको पता है मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है, तो रुहेलखंड तो वहाँ पड़ता नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं ये पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा लोक नृत्य, ख्याल, पाईडंडा, राई नृत्य, इसमें 51 का जो सी है इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ है, तो 51 का सी जो है बढ़िया नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का नहीं है। लटमार होली कहाँ पे, बरसाना में होती है, 52 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, 53, तो ये अयोध्या खुशी महाराज होगा इसका आंसर, मतलब 53 का कौन सा, बी हो गया। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा कौन मेला कौन सा है, मेरठ में आपको पता है इसमें से कौन सा मेला, नौचंदी मेला, तो 54 का बी हो गया। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है, बाराबंकी में जो वारिस अली शाह के लिए लगता है, तो 55 का बी हो जाएगा। सितारा वादक इनायत खान किस घराने के हैं, ये जो इनायत खान है वो किस घराने के, इटावा घराने के, इनका संबंध सितार वादक है, इनायत खान किस घराने से, इटावा घराने से हैं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पे बड़ा ख्याल का विकास किया था, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा कव्वाली, ठीक है, 57 का आपका क्या है, सी है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किस धुन पे बड़ा ख्याल का विकास किया था, तो कव्वाली पे किया था। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो वो तबला वादक थे, अभी देखिए किशन महाराज का नाम आया था, तो 58 का हमारा सी, किशन महाराज जो है वो कौन है, तबला वादक हैं, बनारस घराने से रिलेटेड हैं, बनारस के कबीर चौरा में उनका जन्म हुआ था। निम्न में से लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है, तो ये आपने अभी पढ़ा था, 59 का सी कजरी है, 59 का कौन सा होगा, सी। उत्तर प्रदेश शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, उत्तर
भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है नाट्य शास्त्र 60 का ए है। ओके, ये आपके इसके सबके ऑप्शंस के जितने भी क्वेश्चन उनके आंसर दिए हुए हैं और इसका विस्तार से मैंने इनको बता दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। चलिए, तो कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर व बोलियों को टॉपिक हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। आगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।